राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस का 133वां स्थापना दिवस मनाया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कांग्रेस का ध्वजारोहण कर सेवा दल के कार्यकर्ताओं के साथ सलामी ली, साथ ही कांग्रेस की रीति नीतियों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस से अलवर लोकसभा सीट के उम्मीदवार डॉ. करण सिंह यादव, पूर्व अध्यक्ष डॉ. चंद्रभान नेता, प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के साथ वरिष्ठ कांग्रेसी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रदेश के और देश के तमाम कांग्रेस जनों को। 133वें स्थापना दिवस पर हम लोगों ने नया संकल्प लिया है। राहुल गांधी जी नए अध्यक्ष बने हैं, उनकी अध्यक्षता में आज पहली बार नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में झंडा फहराया है कांग्रेस ने। हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला साल 2018 कांग्रेस का साल होगा। तमाम चुनौतियों का सामना हम लोग करेंगे और एक युवा नेतृत्व के साथ जो संचार हुआ है ऊर्जा का पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं में, उसका लाभ हमारी पार्टी को मिलेगा। और अगले साल इस वक्त तक चुनाव हो चुके होंगे प्रदेश में और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जनता के आशीर्वाद के साथ, नेताओं की मेहनत के बाद हम लोग यहाँ पर चुनाव जीतकर जनता की सेवा के लिए उपस्थित रहेंगे। दिवस प्रदेश कांग्रेस सब कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक संगोष्ठी के रूप में हमने विचारों का आदान प्रदान किया। मैं सबसे पहले पूरे प्रदेश के कांग्रेसवासियों को, पूरे देश के कांग्रेसवासियों को आज 133वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस पर मैं बहुत ही हार्दिक बधाई और उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना इतिहास है। 132 साल कांग्रेस पार्टी ने पूरे किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करी है और इसको देश की आज़ाद, इस देश को आज़ाद कराने में हमारे नेताजी महात्मा गांधी जी हो, चाहे मौलाना आज़ाद हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे स्वर्गीय राजीव गांधी जी हो, उन्होंने इस देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए काम किया है। और कांग्रेस पार्टी त्याग, बलिदान और तपस्या की पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए वर्ष में जनवरी महीने में बाड़मेर और झुंझुनू दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने आरोप लगाया है कि सीएम वसुंधरा राजे को आखिरकार बेमन से ही सही पीएम नरेंद्र मोदी की शरण में जाना पड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री को चाहिए था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अजमेर और अलवर लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए बुलाती, जिससे उन्हें प्रदेश की हकीकत पता चलती और भाजपा की पीएम दौरे का फायदा मिलता। लेकिन मुख्यमंत्री को पता है कि अजमेर और अलवर में पीएम के आने पर उन्हें जनता की नाराजगी के बारे में पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार जनता भाजपा और सीएम राजे के बहकाव में नहीं आने वाली और कांग्रेस तीनों उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि जो हम सोचते थे वही हुआ। मुख्यमंत्री जी को अंततः ये वो भाव गए कि उनके कहने से भी मतदाता रुझने वाला नहीं है, उनके पास मतदाता भाजपा को वोट नहीं करेगा, ले दे के उनको अंततः प्रधानमंत्री जी की शरण में आना पड़ा और प्रधानमंत्री जी को राजस्थान में बुलाया है। मैं कहता हूँ लुका छुपी क्यों खेल रहे हैं, झुंझुनू में क्यों मीटिंग करा रहे हैं, अलवर में कराइए ना प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग। अगर चीफ मिनिस्टर की साख को लोग मान नहीं रहे, भाजपा के प्रदेश के नेताओं को लोग सुन नहीं रहे, असंतोष लोगों के अंदर इतना है और उनको प्रधानमंत्री पर निर्भर करना था, तो ये बैक हैंडेड गेम क्यों खेल रहे हैं। और फिर प्रधानमंत्री जी को दो बार बुलाना ही था तो वहाँ बुलाएं जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, क्योंकि ये दिखावा करके कुछ लाभ होने वाला नहीं है। आप समझ लीजिए कि राजस्थान के भाजपा के नेताओं के नेतृत्व में क्षमता कितनी है, उपचुनाव में जनता का आक्रोश संभाल नहीं पाएंगे। तीनों सीट कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है, लेकिन उनको जाके प्रधानमंत्री की शरण में जाना पड़ा, आधे मन से मुख्यमंत्री जी को उनको यहाँ न्योता देना पड़ा ताकि वो आए और कुछ बची कुची जो साग है भाजपा की उसको बचाने की वो कोशिश करें। लेकिन जनता मन बना चुकी है। मैं 3-4 दिन के लिए अलवर में था, 3 दिन का दौरा मेरा अजमेर में रहा, मांडलगढ़ भी हम लोग जाएंगे। तमाम वहाँ के लोग, नौजवान, किसान एक मस्त होकर कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। जब भी उपचुनाव की घोषणा होगी कांग्रेस पार्टी तीनों सीट जीतेगी।